ठीक है, कोई भी फोन क्या लेता है ऑटो एम्पियर। तो इससे हम क्या समझते हैं, या तो बीबेट लाइन की शॉर्टिंग है या फिर बीपीएच, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक बोर्ड है, आप देख सकते हो ये एकदम फ्रेश बोर्ड है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और इस बोर्ड के अंदर फॉल्ट पता क्या है, इस बोर्ड के अंदर फॉल्ट ये है कि इसमें ना बीपीएच लाइन पे शॉर्टिंग है और ना बीबेट लाइन पे शॉर्टिंग है, और फिर भी ऑटो एम्पियर ले रहा है, ठीक है। तो आज का अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई फोन अगर आपके पास आता है और सबसे पहले हम डीसी पे कनेक्ट करते हैं, डीसी पे कनेक्ट करने पे यदि वो ऑटो एम्पियर ले लेता है, ठीक है, लेकिन बीबेट लाइन भी शॉर्ट नहीं है और बीपीएच लाइन भी शॉर्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। किसी भी फोन में ऐसे ऐसे फॉल्ट आपके पास आएंगे, बीबेट लाइन की शॉर्टिंग कोई भी निकाल लेता है शॉर्टिंग, बीपीएच लाइन की शॉर्टिंग भी कोई भी निकाल लेता है, क्योंकि ये सिंपल मेथड है कि भाई रोजिन लगाओ, वोल्टेज दो या थर्मल पे लगा दो, निकल जाता है। लेकिन मैं आपको एक नया फॉल्ट दिखाता हूँ, देखो। और यहाँ पे मैं इसमें डीसी कनेक्ट करता हूँ, देखो जब मैं डीसी मशीन से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऑन किया मैंने डीसी से, तो आप देख सकते हैं कितना एम्पियर कंजप्शन है, 0.041, है ना। तो इससे आप क्या समझते हो, इसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है, और इस सिचुएशन में अगर हम फोन को ऑन करेंगे तो सेट ऑन नहीं होगा। तो हमारी थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी फोन में डीसी पे लगाने पे ऑटो एम्पियर ले रहा है, तो हम क्या करते हैं कि बीबेट लाइन या बीपीएच लाइन पे ज्यादातर कंसर्न करते हैं कि इसी में शॉर्टिंग हो सकती है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, सबसे पहले आप देखो इसका ये बैटरी कनेक्टर है, दिख रहा है सबको, और मैं आपको ना रीडिंग लेके दिखाता हूँ कि देखो थ्योरी आपकी बिल्कुल यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। जब आप यहाँ पे चेक करोगे, ये प्लस और माइनस पे मैंने रखा, तो कितना रीडिंग है, 420, 432। और जब मैं पिन को चेंज करूँगा, ठीक है, तो पिन को जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे रीडिंग कितनी है, कितनी है, तो इसका मतलब बीबेट लाइन पे शॉर्टिंग नहीं है। फिर से देखो, मैंने चेक किया 432, इधर ये दिख रहा है पूरा, ये दिख रहा है इधर पूरा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे रीडिंग कितनी है, 432, और जब मैंने प्रोब को चेंज किया तो यहाँ पे रीडिंग कितनी है, नहीं है। तो इससे कंफर्म है कि मेरी बीबेट लाइन शॉर्ट नहीं है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब हमारे दूसरा दूसरा हम अटैक कहाँ करेंगे, बीपीएच पे। तो आप सबको पता है कि बीपीएच की रीडिंग कितनी आनी चाहिए, 250 से 400, और प्रोब को पलटने के बाद, ठीक है। तो देखो आप सबको पता है कि ये जो आईसी है, आपने तो लाइट और ग्राफिक सेक्शन पढ़ लिया है ना, तो ये जो आईसी आप देख रहे हो, ये ग्राफिक और लाइट की, एमोलेड की लाइट और ग्राफिक, ओक्टा DC to DC है, क्या है। और आपने पढ़ा था कि इस आईसी पे तीन कॉइल होती है जो एक ग्राउंड होती है, तो देखो यहाँ पे रीडिंग है 0.00, तो ये वाली कॉइल क्या है, नेगेटिव वाली है, जो -4.4 ELVSS। लेकिन ये जो दो कॉइल है इस पे बीपीएच बनती है, याद है हमने पढ़ा था ना, इन दो कॉइल पे क्या बनती है, तो बीपीएच की रीडिंग चेक करने के लिए आपको चार्जिंग आईसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी बीपीएच वोल्टेज आती है आप वहां पे बीपीएच लाइन चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक पिन रीडिंग लगाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो बीपीएच की रीडिंग कितनी है, तो इसको क्या मानेंगे, शॉर्ट है, नहीं। और जब मैं प्रोब को पलटूंगा तो यहाँ पे क्या मानोगे, ठीक है, ठीक है, 1000 के आसपास से, ठीक है, इसको ऐसे शॉर्ट नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे बीपीएच लाइन भी शॉर्ट नहीं है और बीबेट लाइन भी शॉर्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फोन में क्या है, शॉर्टिंग है कि नहीं। तो बीबेट लाइन की जो प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग है उसको हर आदमी निकाल लेता है, और बीपीएच लाइन की भी शॉर्टिंग हर आदमी निकाल लेता है। लेकिन अगर आपके फोन की इस टाइप का सिचुएशन हो तो बस दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। हर जगह एक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो अब मैं आपको सर्किट खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये यहाँ पे सर्किट है, ये जैसे मेरे पास जो मॉडल है A307 है, कौन सा है, A307। तो देखो इसका इसका ना मैं पहले बेसिक फंडामेंटल समझाता हूँ कि ऐसा होता क्यों है, ठीक
पहले इसको समझते कि ऐसा होता क्यों है। और इसके बाद, इस चैप्टर के बाद मैं आपको एक नई लाइन बताऊंगा। आपने पहले बीबेट लाइन पढ़ा, उसके बाद से कौन सी लाइन पढ़ा, बीपीएच। अभी मैं आपको एक और लाइन पढ़ाऊंगा, बीबेट रीसेट लाइन। कौन सी? अगर उसके अंदर शॉर्ट नहीं होगी तब भी सेट ऑन नहीं होगा, और ऐसी सिचुएशन में आपका फोन ऑटो एम्पेयर भी नहीं लेगा। ठीक है, तो देखो, तो इसके लिए अपन थोड़ा सा स्टडी करते हैं फोन की। देखो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपका बैटरी कनेक्टर, यहाँ पे आपका बैटरी कनेक्टर था 4 पिन का या 3 पिन का, वट एवर जो भी हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सप्लाई सबसे पहले चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बी बैट, यही पढ़े थे। और इस बी बैट की लाइन में कुछ कैपेसिटर्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, ESD डायोड्स, यही पढ़ा था आपने, बराबर है कि नहीं? और यहां से आप आगे जब जाते हो, ठीक है, तो यही सप्लाई आपकी चली जाती है किस आईसी के अंदर, चार्जिंग आईसी। और आप सबको पता है कि ये जो लाइन है, इसको बीबेट लाइन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे आपकी 3.7 वोल्ट की सप्लाई चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है। फिर यहाँ पे एक बीपीएच क्रिएट होती है, जनरेट होती है, यहाँ पे क्वाइल लगती है कितने हेनरी की, 1 UH, और यहाँ पे क्या बन जाती है, VPH 3.7, है ना। मान लो बीपीएच की जो रेंज मैंने आपको बता रखी है कितने से कितने तक बीपीएच बनता है विदाउट बैटरी, है ना, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे मेन कंसर्न ये है कि जब हम यहाँ पे डीसी लगाते हैं, और अगर आपके फोन ने ऑटो एम्पियर ले लिया, भले 0.005 ले लिया, तो हम ये समझते हैं कि या तो बीबेट लाइन की शॉर्टिंग है या फिर बीपीएच लाइन की शॉर्टिंग है। तो मैंने बताया कि इसकी रीडिंग लेके पता कर सकते हैं कि इस लाइन में शॉर्ट है कि नहीं, इसकी रीडिंग लेके पता कर सकते हैं कि इस लाइन में शॉर्ट है कि नहीं। इसके अलावा मैंने बताया था क्वाइल को भी निकाल के हम चेक कर सकते हैं कि इस लाइन में शॉर्टिंग है कि नहीं। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस फोन में ना बीबेट शॉर्ट है ना बीपीएस शॉर्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी चार्जिंग आईसीज होती है ना, इसकी कुछ बायसिंग वोल्टेजेस होती है। ठीक है, मतलब जितनी भी चार्जिंग आईसीज आप पढ़ोगे अभी, तो उसमें से कुछ कॉमन लाइन्स आपको मिलेंगी, जिसकी लाइन कहीं जाती नहीं है, उसी आईसी की बायसिंग वोल्टेजेस जो होती है, उसका एक कैपेसिटर ग्राउंड से लगा होता है। इसमें कई सारी लाइंस होती है जो अभी हम पढ़ेंगे। अभी डेट सेक्शन हमारा जो स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर मैं आपको जब सैमसंग एक्साइनोस का या PMI बेस, ये सब अभी मैंने सिर्फ आपको चार्जिंग सेक्शन पढ़ाया था, और DC to DC कन्वर्टर हमने कल पढ़ा था। इसके अलावा चार्जिंग आईसी की और भी पिंस की डिटेल सभी आपको मैंने नहीं दी है। तो जब आप चार्जिंग आईसी को डिटेल में पढ़ोगे, तो उसमें आपको एक लाइन मिलेगी, देखो याली, इसका नाम होगा वी रेफरेंस। क्या नाम होगा? सैमसंग के फोन्स में या और भी फोन्स में देखोगे, चार्जिंग आईसी के अंदर एक लाइन होगी, वी रेफरेंस की लाइन होती है। ठीक है, और ये जो लाइन है ना कहीं आएगी और ना कहीं जाएगी, ये सिर्फ लाइन वी रेफरेंस की लाइन होगी। मतलब जो चार्जिंग आईसी के अंदर इनिशियल वोल्टेज होते हैं, उसको फिल्टर करने के लिए एक बाहर में नॉन पोलराइज कैपेसिटर ग्राउंड से लगा दिया जाता है। अगर किसी कंडीशन में ये वी रेफरेंस का कैपेसिटर शॉर्ट कर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके फोन में फॉल्ट आता है कि आपका ना बीपीएस शॉर्ट होगा ना बीबेट शॉर्ट होगा, लेकिन आपका बैटरी कनेक्टर पे क्या आएगी, शॉर्टिंग आएगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन आता है, तो कौन सी लाइन को चेक करना है आपको, वी रेफरेंस। कौन सी? इसके अलावा मैंने आपको याद हो चार्जिंग सेक्शन में बूट पावर के बारे में बताया था, VARB के बारे में भी बताया था। ये कुछ ऐसी लाइंस हैं जिसका लाइन ना कहीं आता है और ना कहीं जाता है। तो मैं इसके सर्किट को ओपन करता हूँ, और तुम खुद सर्च करके देखो कि ये लाइन क्या आपको मिलती है। तो देखो, मैं सर्किट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है सबको? तो ये सर्किट में आप देखो, ये आपके फोन का सर्किट है, और मैं क्या करता हूँ, चार्जिंग आईसी के पास चलता हूँ। ये चार्जिंग आईसी है,
ये कौन सी आईसी है? चार्जिंग आईसी। और इस चार्जिंग आईसी को मैंने कॉपी किया और स्केमेटिक में जाके पेस्ट किया, किया कि नहीं किया? और जब मैंने स्केमेटिक में जाके पेस्ट किया तो आप देख सकते हो कि ये जो चार्जिंग आईसी है इसका 5 वोल्ट का इनपुट हो रहा है बीपीएच, सबको पता है। जब 5 वोल्ट का इनपुट बीपीएच का होगा तो एलएक्स यहां पे लिखा है एलएक्स, तो एलएक्स पे क्या होगी? स्विचिंग होगी और यहीं से आपकी बन जाएगी बीवेट यानी बीपीएच, ठीक है। और बीपीएच बन के फिर से आईसी के अंदर बैक हो जाएगी और फिर यहां से चार्जिंग आउटपुट निकलेगा तो आपकी बैटरी क्या होगी? चार्ज होगी। ये तो क्लियर कॉन्सेप्ट है। और जब हम बैटरी लगाएंगे तो यहीं से बैटरी की 3.7 आएगी और फिर यहां से बीपीएच बन के और पूरे फोन में क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यही सर्किट पढ़ा है। लेकिन इस पूरी ओवरऑल आईसी में आप एक लाइन ढूंढोगे जिसको क्या बोलेंगे? वी रेफरेंस, ठीक है। और आज के बाद अगर इस टाइप का कोई भी फॉल्ट आएगा किसी भी फोन में तो आप बी रेफरेंस का कैपेसिटर ढूंढोगे और जस्ट रिमूव इट। क्या करना है? इसको जस्ट रिमूव करना है। और इसमें एक फॉल्ट आएगा, एक और बोलो क्या इसमें फॉल्ट? ये आएगा कि जब तुम चार्जिंग आईसी निकाल दोगे तो शॉर्टिंग चली जाएगी, ठीक। तो तुम सोचोगे चार्जिंग आईसी खराब है, सोचोगे कि नहीं सोचोगे? फिर तुम चार्जिंग आईसी लगा दोगे फिर शॉर्टिंग आ जाएगी। फिर तुम सोचोगे कि जो चार्जिंग आईसी मैंने लगाई है हो सकता है वो भी खराब हो, तो तुम मार्केट से ऑर्डर करोगे या किसी बोर्ड में से निकाल के लाओगे, फिर चार्जिंग आईसी लगाओगे फिर शॉर्टिंग आ जाएगी, फिर निकालोगे फिर शॉर्टिंग, और तुम कंफ्यूज रहोगे यार शॉर्टिंग आ कैसे जा रही है, ठीक है। और बार बार तुम किस आईसी को बदलते रहोगे? चार्जिंग आईसी को। तो याद रहेगा ना बीबेट शॉर्ट है ना बीपीएस शॉर्ट है, और चार्जिंग आईसी को निकालने के बाद शॉर्टिंग हट जाती है और नई चार्जिंग आईसी लगाने के बाद शॉर्टिंग। तो ऐसी सिचुएशन में किस लाइन को चेक करना है? वी रेफरेंस। या हाँ, ऐसा कभी आपने देखा भी होगा, कई बार काफी बार ये फॉल्ट आता है और हम परेशान रहते हैं कि यार शॉर्टिंग है कहाँ, ना थर्मल में गर्म हो रहा है और चार्जिंग आईसी को निकालते में हट जा रहा है और चार्जिंग आईसी लगाते फिर से क्या हो रहा है? आ जा रहा है। तो इस कैपेसिटर की जो लाइन होती है या तो रेफरेंस बाईपास के नाम से होती है, वी रेफरेंस के नाम से होती है, वी बाईपास के नाम से होती है, इस टाइप से कई सारी नाम चेंज हो सकते हैं। बस आप इतना समझना ये चार्जिंग आईसी की बायसिंग वोल्टेज का कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए तो ये फॉल्ट आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो फॉल्ट है ये A307 का एक कॉमन फॉल्ट है इस फोन का, और आप यकीन नहीं मानोगे इस फॉल्ट को हमने 50 से 100 मॉडल्स में इस कैपेसिटर को निकाल के ओके किया है, ठीक है। और इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। इसी टाइप से मैं आपके मीडियाटेक के फोन्स में एक फॉल्ट आता है कि पावर आईसी लगाने के बाद सेट ऑन हो जाता है और चार्जिंग लगाते ही आईसी शॉर्ट हो जाती है, आता है? हाँ। और इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा क्लास में, लाइव क्लास में, कि अगर कभी मीडियाटेक का कोई फोन आया, ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉल्ट है, एकदम मिलियन डॉलर फॉल्ट है, मतलब इसमें एकदम एग्जैक्ट यही खराब होता है, ठीक है। तो चलो उसका मीडियाटेक का जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी देखो, अभी हम पढ़ते हैं वो लाइन कौन सी है। तो यहाँ पे देखो लिखा है वी बाईपास, ठीक है, वी रेफरेंस भी है, वी बाईपास भी है। आप देखो कि इस आईसी में ऐसे कितने कैपेसिटर्स हैं जो ग्राउंड से लगे हैं, जिसकी लाइन ना कहीं आती है और ना कहीं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है वी बाईपास, देखो वी एस एस एच, देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है और यहाँ पे दो कैपेसिटर है, दोनों क्या है? यहाँ पे लिखा है वी बाईपास। क्या लिखा है? वी बाईपास। अगर मैं और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये जो वी बाईपास वाला कैपेसिटर है, अगर ये वी बाईपास वाला कैपेसिटर है, अगर इस कैपेसिटर में लगे ये दोनों कैपेसिटर इस लाइन में लगे, इसमें से अगर एक भी कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में चार्जिंग आईसी निकालने पे शॉर्टिंग हट जाएगी, नई चार्जिंग आईसी लगाती शॉर्टिंग आ जाएगी और थर्मल पे कोई भी हीटिंग नहीं होगी और ना बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग होगी और ना बीपीएच पे शॉर्टिंग होगी। क्लियर हो गया? इसको मैं अभी नोट डाउन करा देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ ये कैपेसिटर कौन सा है। इसको हम यहाँ पे करते हैं कॉपी, ठीक, और कॉपी करने के बाद लेआउट में जाके करते हैं पेस्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखो इस चार्जिंग आईसी के जस्ट ऊपर लगा है, इस चार्जिंग आईसी के जस्ट ऊपर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जहां पे आपका थोड़ा दिमाग काम करना बंद कर सकता है। आप सोचोगे यार इसमें हो क्या सकता है? थर्मल भी इसीलिए नहीं बनाया गया, बार बार चार्जिंग आईसी को हीट करेगा। इनिशियल है ना, अंदर मॉस्फेट लगा हुआ है ना, जिसने बीपीएच और बीबेट को अलग कर दिया अपने आप को। वोल्टेज वही शॉर्ट हो रही है, वोल्टेज कौन सी शॉर्ट हो रही है? वही वाली शॉर्ट हो रही है, लेकिन मॉस्फेट के आउटपुट में शॉर्ट हो रही है, इनिशियल शॉर्ट हो रही है, इसीलिए दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये आपका मदरबोर्ड है और ये वाला जो कैपेसिटर है ये जस्ट इस मदरबोर्ड में ये ऊपर बड़ा वाला लगा है, ये वी बाईपास का कैपेसिटर है बड़ा वाला। अगर इस कैपेसिटर को अनफॉर्चुनेटली अगर ये शॉर्ट हो जाए स्विचिंग के दौरान, तो ऐसी सिचुएशन में ना बीबेट पे शॉर्टिंग होगी ना बीपीएच पे शॉर्टिंग होगी, लेकिन फिर भी आपका फोन क्या लेगा शॉर्ट टाइम पे। अब इसी कैपेसिटर के शॉर्ट होने से आपने क्या देखा कि ऑटो एम्प पे ले रहा था। अब देखो मैं इस कैपेसिटर की शॉर्टिंग को हटाता हूँ, देखो तो याद रहेगा अगर इस टाइप का फॉल्ट आया है तो आपको इसको, ये देखो मैंने हटा दिया इसकी शॉर्टिंग, ठीक है। अगर मैं अब इसको देखो डीसी पे कनेक्ट करता हूँ तो इसकी क्या एम्पियर कंजप्शन की रीडिंग होने वाली है, चला गया देखो हो गया कि नहीं जीरो। और उस एक कैपेसिटर के शॉर्ट होने से ही क्या ले रहा था, क्लियर है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज के बाद अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी फोन आएगा, कौन सा कोई भी, अभी देखो अभी मैंने आपको सिर्फ डेट स्टार्ट किया है और अभी शॉर्टिंग वाली कंडीशन अभी हुई है, लेकिन अभी मैंने आपको और भी कैपेसिटर्स के बारे में नहीं बताया। जैसे चार्जिंग आईसी के पास एक बूट पावर का कैप लगता है, आप जितनी भी चार्जिंग आईसी देखोगे ना वहाँ पे एक बूट पावर का, जैसे जितने भी पीएमआई बेस्ड सर्किट है उसमें एक बूट पावर का कैप होता है, जितने भी मीडिया टेक के सर्किट उसमें वी रेफरेंस का कैप होता है, ठीक है, वी आर टी सी का कैप होता है, वी रेफरेंस बाईपास का कैप होता है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप आईसी बदलते रहोगे, अगर ये एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया पूरे सर्किट को डिसेबल कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया, क्लियर है सबका। तो तीन कंडीशन मैंने आपको बताई है, अगर बीबेट पे शॉर्टिंग है तो क्या करेंगे, बीपीएच पे शॉर्टिंग है तो क्या करेंगे, और अगर दोनों पे शॉर्टिंग नहीं है और फिर भी ऑटो एम्पियर ले रहा है तो क्या करेंगे। तरीके से आपने देखा कि आज मैंने आपको एक पिन के बारे में बताया, रेफरेंस बाईपास के बारे में, और आपने जाना कि इस पिन के शॉर्ट हो जाने से हमारे फ़ोन में ऑटो एम्पियर फ़ोन लेता है और डेड हो जाता है। उसी तरीके से अगर मैं एक चार्जिंग आईसी की बात करूँ, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ PMI 632, तो इस आईसी के अंदर आपको जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं सिस्टम ओके, VARB, बूट पावर, AVD, AVDD, बाईपास, फॉल्ट एन, PS होल्ड, कीपैड पावर एन एंड रेफरेंस बाईपास जैसी बहुत सारी पिनें मिलेंगी। और एक चार्जिंग आईसी में इन पिनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये जो पिनें हैं क्या काम करती हैं, किन पिनों के शॉर्ट या ख़राब होने से क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं, तो इसकी आपको डीप में अगर नॉलेज लेनी है चार्जिंग आईसी की कॉन्फ़िगरेशन या पावर आईसी की कॉन्फ़िगरेशन या अपडेट फोन को रिपेयर करने में काफ़ी आपको प्रॉब्लम फेस होती है, तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।